Hello friends, you all are welcome again in your channel, The Literary Arena. I am Dinanath Kumar and today I am going to discuss a very important poem of Periyasami Thuran and the title of the poem is The Empty Heart. Friends, you should know that Periyasami Thuran was a distinguished Tamil writer who has written so many poems and short stories in Tamil language and he has also written in English literature, English language. He is not only a pioneer of Tamil literature but also of English literature. Friends, you can see the title of the poem in the book, The Empty Heart by Periyasami Thuran. Friends, ab main batana chahunga ki ye poem kyun important hai aur ise kyun hum sabhi students, teachers aur sare logo ko ye poem padhna chahiye, kyunki is poem ka center jo hai wo hai greed, covetousness yani ki lobh. और लोभ जो है हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे पतन के लिए, हमारे दुखों के लिए, हमारे दयनीय स्थिति के लिए, हमारे मिजरेबल कंडीशन के लिए. तो ये लोभ जो है, लोभ को कहा जाता है लोभ पापस्य कारण. भगवत गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य के तीन शत्रु हैं, काम, क्रोध और लोभ. और यही तीनों शत्रुओं में से एक शत्रु है लोभ, जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है. तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ. यानी कि ये काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार जो है ये नरक के पांच रास्ते हैं, पांच द्वार हैं, जिसमें से एक लोभ भी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बाइबल को हम लोग देखते हैं तो बाइबल में भी सेवन डेडली सिंस का डिस्क्रिप्शन मिलता है, प्राइड, कपटसनेस, रात एंड भी ग्लटनी, स्लॉथ एंड लेचरी. और वही कपटसनेस जो है वो उसी को हम लोग ग्रीड कहते हैं या लोभ कहते हैं. तो इनसे हमें बच के रहना चाहिए, इन्हें हम अपने जीवन में इसका इंपॉर्टेंस को कम करना चाहिए. तो वहां पे सेवन डेडली सिंस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए वहां पे सेवन डिवाइन वर्च्यूज को बताया गया है, जो सेवन डिवाइन वर्च्यूज है फेथ, होप, चैरिटी, जस्टिस, प्रूडेंस, टेम्परेंस एंड फोर्टिट्यूड. और इस लोभ को दूर करने का, कम करने का, खत्म करने का यही उपाय है कि हमें कंटेंटमेंट को अपनाना चाहिए, संतुष्टि को अपनाना चाहिए, संतोषम परम सुखम. इसी सिद्धांत पर अगर हम जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा. डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं पेरियासमी थुरन जी के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है. पेरियासमी थुरन whose life period is 1908 to 1987, a distinguished Tamil writer, first made his name as a writer of short stories and poems. However, he is best remembered today as the editor of the famous 10-volume General Encyclopedia in Tamil. Kalai Kazhanjiyam, later he also compiled and edited an encyclopedia in Tamil for children, a master of a style. थुरन हैंडल सक्सेसफुली द प्रोज पोम एंड द सोनेट. इन्होंने सोनेट को भी लिखा है. हिज वर्क्स इंक्लूड सच पॉपुलर कलेक्शंस एज इलांटा मिजा एंड थुरन कवितावली पोम्स, कलेक्शन ऑफ पोम्स, टंगा कैनगिली शॉर्ट स्टोरीज एंड पुबिन सिरिप्पू एसेज कलेक्शन. एमंग द मेनी अवार्ड्स डैट केम टू हिम वर द पद्म भूषण एंड कलालम पानी फ्रॉम तमिलनाडु. उनको पद्म भूषण अवार्ड से भी मिला हुआ है. द पोम कुरई कुदम द एम्प्टी हार्ट, यानी कि द एम्प्टी हार्ट को ओरिजिनली तमिल भाषा में कुरई कुदम नाम से लिखा गया था, जो एम्प्टी हार्ट के रूप में इंग्लिश में आया. हाईलाइट्स अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, ये मनुष्य के सबसे बड़े कमजोरी को दिखाता है, वीकनेस को दिखाता है. मैंस इनसेटिएबल ग्रीड, यही जो ग्रीड है, यही जो लालच है, जो इनसेटिएबल है, जो कभी संतृप्त होने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है, विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयज हिम, जो इंसान को क्या करता है, खत्म करता है. तो इसी थीम पे बेस्ट द एम्प्टी हार्ट पोम को हम लोग वन बाय वन, लाइन बाय लाइन इसको हम लोग डिस्कस करते हैं और इसे समझते हैं. द एम्प्टी हार्ट. द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट. इस पोम को एक नैरेटिव के फॉर्म में लिखा गया है. नैरेटिव मतलब कि जब राइटर किसी स्टोरी को नैरेट करता है पोम के थ्रू, तो उसे नैरेटिव पोम कहते हैं. जैसे द ईव ऑफ सेंट एग्नेस हम लोग देखते हैं, एक लॉन्ग नैरेटिव पोम है. वीनस एंड एडोनिस देखते हैं शेक्सपियर साहब का, वो जो है लॉन्ग नैरेटिव पोम है. तो वो यही इसी प्रकार का ये पोम है, बट ये शॉर्ट नैरेटिव है.
द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट। इस पोम में बताया गया है कि एक व्यक्ति था लेकिन वो अमीर होने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं था। मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट टू द विस यील्डिंग ट्री एंड प्रेड। और वो सुबह में दोपहर में रात में हर वक्त जो है वो विस यील्डिंग ट्री के पास जाया करता था। विस यील्डिंग ट्री जिसको हम लोग कल्प वृक्ष कहते हैं या कल्पका ट्री कहते हैं और उससे प्रार्थना करता था। ओ कल्पका I seek your aid, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। All I want is a pot of gold. His prayers was granted sevenfold. Friends, आप देखिए इस poem को जो है rhyming couplets में लिखा गया है जो पढ़ने में काफी बेहतरीन है। वो कल्पका ट्री से कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए और मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे जो है एक all I want is a pot of gold और मुझे एक घड़ा जो है सोना से भरा हुआ एक घड़ा चाहिए। His prayer was granted sevenfold और वहां पे कल्पका ट्री ने कहा कि ठीक है तुम्हें एक गुना नहीं सात गुना दिया जाएगा, यानी कि सात जो है घड़े सोने से भर के दिए जाएंगे। For as the gift to him was given glistening gold in petal seven। अब ये जो है चमकते हुए ग्लिसनिंग करते हुए पीचर्स में जो है गोल्ड को भर के उसको सात घड़ों में दिया गया। सेवन सिल्वर पीचर्स, ये सेवन सिल्वर पीचर्स थे जिसके अंदर क्या थे गोल्ड भरे हुए थे। वेयर नाउ विथ हिम इच वॉज गोल्ड क्वाइंस फिल्ड टू द ब्रिम और ब्रिम मतलब होता है किनारा और उसके किनारे तक जो है इसमें भरे हुए थे क्या तो सोने के सिक्के। बट द ट्री अनकाइंड, फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे ट्री को अनकाइंड कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है मैं बताता हूँ। बट द ट्री अनकाइंड टुक इन टू इट्स माइंड टू एड एन एट्थ अ हाफ फुल पॉट टू एड एन एट्थ अ हाफ फुल पॉट टू फिल दिस क्विक वाज दिस थॉट। फ्रेंड्स तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि कल्पका ट्री ने उसे सात घड़ा तो दिया सोना के अशरफियों से भरा हुआ, लेकिन उसे एक आठवां घड़ा भी दिया जो पूरा भरा हुआ नहीं था, हाफ फिल्ड था, आधा भरा हुआ था। इसलिए यहाँ पे ट्री को अनकाइंड कहा गया है, कल्पका ट्री को अनकाइंड कहा गया है क्योंकि ये इसके दिमाग को जो है घुमा देते हैं, इसके माइंड के साथ खेलते हैं कि ये आठवां घड़ा को भरने के लिए अपने समय को कैसे व्यर्थ करता है, अपने जीवन को कैसे व्यर्थ करता है लोभ के चक्कर में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू फिल दिस क्विक वाज हिज थॉट। अब जो वो व्यक्ति था रिच पर्सन जो था जो ग्रीडी पर्सन था वो सात घड़े जो मिले हुए हैं उसको उसका वो यूज करना नहीं चाहता है, उससे अपने जीवन को सुंदर बनाना नहीं चाहता है, बल्कि वो आठवें घड़ा को भरने के फेर में अपना नींद अपना चैन अपना परिवार सारे लोगों को भूल जाता है और रात दिन मेहनत करता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। द सेवन फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगॉट। वो सात फुल भरे हुए जो घड़े थे वेसल्स थे उनको पूरी तरह भूल गया। द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड। डेमन डिजायर यानी कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो डेमन है, इच्छाएं जो है वो अनंत है, इसलिए से डिजायर इस डिजायर को डेमन डिजायर कहा गया है। टू मदर वाइफ चिल्ड्रेन गुड बाय ही बेड। और सारे लोगों को माता को पिता को बच्चों को वो सबको गुड बाय बोल के आगे बढ़ गया। ही रोज बिफोर कॉकक्रो पास्ट मिडनाइट ही वर्क। और सुबह में जो है कौवा के उठने से पहले मुर्गे के उठने से पहले वो उठ जाता था और रात में देर रात तक काम करता था। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही सर्व्ड ही रेक्ट हिज हेल्थ हिज कॉन्शियस सोल एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड। वो सब कुछ भूल गया, उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा, अपने चेतना को भूल गया, बस उसका एक ही गोल था कि वो अधिक से अधिक गोल्ड को गैदर कर सके ताकि आठवें घड़े को भर सके। ईगर एंड एंशियस ही सेमलेसली टू। अब देखिए वो बेचैन हो गया है चिंतित हो गया है और सेमलेसली जो है अपने काम को सिर्फ अपने शरीर को एक ही काम में फंसाया हुआ है कि वो अधिक से अधिक क्वाइंस को जो है कलेक्ट कर सके और घड़े में डाल सके। Each coin he could clutch by hook or crook. By hook or crook, this is a phrase. By hook or crook का मतलब होता है किसी भी तरीका से वो चाहता था कि कहीं से भी हम लाएं गोल्ड को और घड़े में डाल दें। Harder and harder he tried, but died. वो बहुत परिश्रम किया ताकि घड़े को भर सके, बट इतना आसान तो नहीं है सोने के सिक्के लाकर और घड़े में भर देना, but died. लेकिन अंत में वो मर जाता है, घड़े को पूरा नहीं फिल कर पाता है। बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट ग्रीड एंड एंडलेस बट लाइफ इट नॉट। डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पोएट यहाँ कहते हैं कि
ये ग्रीड जो है वो एंडलेस है, लालच जो है वो अंत है, अंतहीन है, उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का तो अंत है। तो हमारा जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा लोभ जो है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए इंसान को लोभ को कंट्रोल करना चाहिए। और लास्ट दो लाइंस जो हैं पोएम कहते पोएट कहते हैं, नथिंग इज रॉन्ग विथ हाफ फिल्ड पर्स, इट इज द वॉइड इन द हार्ट दैट इज द कर्स। ये मेरा मोस्ट फेवरेट लाइन है, और आप लोगों को भी ये समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पोएट कहते हैं यहाँ पे कि अगर आपका जेब खाली है, अगर आपका पर्स खाली है, हाफ भरा हुआ है, पूरा भरा नहीं हुआ है, तो ये शर्म की बात नहीं है, दुख की बात नहीं है। इट इज द वॉइड इन द हार्ट दैट इज द कर्स। लेकिन आपके दिल में अगर रिक्तियां हैं, अगर आपके दिल में वैक्यूटी है, स्पिरिचुअल वैक्यूटी है, अगर आपका दिल खाली है, तो ये आपके लिए सबसे बड़े शर्म की बात है, सबसे बड़े दुख की बात है। और एक पोएम आप पढ़िएगा अलेक्जेंडर पोप का, द क्वाइट लाइफ और ओड ऑन सॉलिट्यूड। तो उस पोएम में कवि कहते हैं कि हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। कि वही व्यक्ति संतुष्ट है जिसके पास छोटा सा एक जमीन का टुकड़ा है, वहां पर कुछ मवेशियों को पाला है, और प्रकृति के गोद में है, उससे जो उसको मिलता है उसी में अपने जीवन यापन को वो ठीक से करता है, बट संतुष्ट है। कबीरा भी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। गिव सो मच ओ गॉड एज टू बी सफिशियंट फॉर द नीड्स ऑफ फैमिली, नीदर शुड आई गो हंग्री नॉर द गेस्ट शुड गो अनफेड। कि प्रभु परमेश्वर आप मुझे इतना ही दीजिए जितना से मेरा परिवार का गुजर बसर चल रहा है, और मेरे दरवाजे पर अगर कोई अतिथि आता है, कोई साधु आते हैं, तो मैं उनका ख्याल अच्छी तरह कर सकूं। तो आपके पास संतुष्टि होना चाहिए, मनुष्य को संतुष्ट होना चाहिए, नहीं तो हमारा भी वही हाल होगा जैसे कि उस रिच मैन का हुआ। और कल्पका ट्री ने एक माध्यम दिया, अर्थ जो फीचर था वो क्या था, वो आपके लोभ को परखने की वो सोची समझी एक साजिश थी, सोची समझी एक चाल थी कि मनुष्य जो है वो क्या कर सकता है लोभ में, और उस व्यक्ति ने अपने जान को गंवा दिया। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए पोएम या नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।